वहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीतिक कार्य समिति का गठन हो गया है। देवेंद्र यादव, करण माहरा, हरीश रावत का नाम इसमें शामिल है। यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह का भी नाम इस कार्य समिति में शामिल है। बिल्कुल, साथ ही साथ गणेश गोदियाल, न प्रभात, राजेंद्र भंडारी का भी कार्य समिति में नाम है। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन, सुमित प्रदेश, प्रकाश जोशी भी कार्य समिति में शामिल हैं और चुनाव को लेकर जल्द कार्य समिति की बैठक होगी। तो विपक्ष भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और कार्य समिति में जो तमाम बड़े नाम है उन्हें शामिल किया गया है। आगे आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी काम करेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसे लेकर आने वाले समय में एक बड़ी बैठक भी होनी है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक कार्य समिति का गठन हो गया है। गणेश गोदियाल, करण महारा, यशपाल आर्य, इन तमाम बड़े दिग्गजों का नाम भी इसमें शामिल है। तो देखिए, उत्तराखंड में कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की बात अगर की जाए तो कोरोना के 346 मामले सामने आए हैं और ऐसे में अब मामले बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। बिल्कुल, प्रदेश भर में ढिलाई को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इशारा किया है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर कॉलेजेस, स्कूल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। बताएं, उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में चलिए बात करेंगे 5 महीने से बंद पड़े एक जल स्रोत की, जहां अचानक पानी आने लगा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण की वजह से ये जल का स्रोत 5 महीने पहले सूख गया था, पानी आना बंद हो गया था, मगर बरसात के मौसम में इसमें अचानक फिर से पानी आने लगा तो लोगों को खुशी हुई। अचानक से बरसात के दौरान वो धारा जो है फिर से उजागर हुआ और बहने लगा, जिससे रुद्रप्रयाग शहर के सभी लोगों के हृदय में जो है खुशी की लहरें, सब खुश हैं। और हल्द्वानी के आसपास इन दिनों तमाम नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। गौला नदी की बात करें तो उफान पर है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल वो नदी के किनारे पर जाने से परहेज करें। बावजूद इसके लोग हैं कि मानते नहीं हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें आई हैं नदी का उफान पर आना, लेकिन कई लोगों के लिए अटकेलियों का विषय समझा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि कभी भी अचानक से अगर तेजी से पानी आ गया तो लोगों को बचाना मुश्किल होगा। अनाउंस शुरू में किया जा चुका है और आज भी लगातार किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके इस कृत्य के लिए जो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।